आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। 10,000 का इनामी सड़क पर बेच रहा था कपड़े, एसओजी ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। एसओजी या देहात की टीम ने 6 महीने से फरार चल रहे 10,000 के इनामी सातिर चोर को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं खबर है पौड़ी से, पौड़ी पुलिस ने 4 वारंटियों को पकड़ा, भेजे गए जेल। पौड़ी जिले में 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराधी कोटद्वार, 2 श्रीनगर थाना क्षेत्र के हैं, दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से, रुद्रप्रयाग पुलिस ने फर्जी फौजी को पकड़ा, पॉक्सो एक्ट में जा चुका है जेल। नकली फौजी बनकर लोगों से ठगी करने वाला पुलिस के हाथ आ गया। आरोपी लोगों को ठगने के लिए फौजी की नकली वर्दी भी पहनाता था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर को सुरेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह ग्राम छानी तहसील पेठाणी जिला पौड़ी गढ़वाल हाल निवासी जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में आकर शिकायत की थी। हनीमून हो या छुट्टियां, उत्तराखंड के स्त्री हाउस में सब होगा शानदार और यादगार। तो उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के फाटो जोन के फाटो में ट्री हाउस का शुभारंभ होने जा रहा है। फाटो जोन में शुरू हो रहे ट्री हाउस में पर्यटक नाइट स्टे का लुत्फ उठा सकेंगे। कल फाटो जोन में ट्री हाउस का शुभारंभ किया जाएगा। अंकित हत्याकांड नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों ने मांगे 10 दिन, अलग अलग हिस्सों में दाखिल होगी चार्जशीट। अंकित हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर आज सुनवाई हुई, जिसमें आरोपियों ने नार्को टेस्ट के लिए 10 दिन का समय मांगा है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, सड़कों को लेकर भी साधा निशाना। तो कांग्रेस को भले ही सदन में सरकार को घेरने का कोई बड़ा मौका नहीं मिला हो, लेकिन सदन के बाहर कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में धामी सरकार को जमकर घेरा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों की याचिका की निरस्त। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक देहरादून के आउटसोर्स कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश को सही माना है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी सीएम धामी समारोह में हुए शामिल, दी बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल हुए और नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल को बधाई दी। चंपावत में रिश्ता शर्मसार, 65 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग दिव्यांग भतीजी से किया रेप। चंपावत के लोहाघाट में नाबालिग दिव्यांग भतीजी के साथ 65 साल के ताऊ ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। सगाई के 2 दिन बाद घर में घुसकर पूर्व प्रेमिका से किया रेप, आरोपी को परिजनों ने जमकर धुना। रुड़की में घर में घुसकर युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ रेप किया। आरोपी की 2 दिन पहले ही किसी अन्य युवती के साथ सगाई हुई है। सगाई के बाद आरोपी ने पूर्व प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी से खबर आई, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे खनन कारोबारी, सरकार को रोजाना 1.5 करोड़ का होगा नुकसान। 7 सूत्री मांग को लेकर के खनन कारोबारी हल्द्वानी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। खनन कारोबारी सरकार के खिलाफ एक प्रदेश एक रॉयल्टी ग्रीन टैक्स खत्म करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के बेरी पड़ाव में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धमकी देने के मामले में हरिद्वार के उद्योगपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार पुलिस ने उद्योगपति अविनाश चंद्र ओरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गजेंद्र ओबराय नामक व्यक्ति ने हरिद्वार पुलिस को तहरीर देकर अविनाश चंद्र ओरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बेकाबू होकर 80 मीटर नीचे खाई में गिरी कार, SDRF ने बचाई युवती की जान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कार 80 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में ड्राइवर जैसे तैसे कार से बाहर निकल गया था, लेकिन 28 साल की युवती कार में फंस गई थी, जिसे SDRF की टीम ने बड़ी मुश्किल से निकाला। जान हथेली पर और पांव टूटे उल, कभी भी हो सकता है कोई अनहोनी। तो उत्तरकाशी के शोणा गाँव में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ग्रामीण अस्थाई के सहारे भागीरथी की उफनती धारा को पार कर अपने गांव पहुंचते हैं। ये सिलसिला वर्षों से चल रहा है, इसके बाद भी शासन प्रशासन आज तक जाग नहीं सका। पौड़ी पुलिस ने 4 वारंटियों को पकड़ा, भेजे गए जेल।
मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग के बीच MOU साइन। तो उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। इससे प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम की लोगों को सटीक जानकारी मिल सकेगी और आपदा जैसी घटनाओं से लोग खुद को बचा सकेंगे। राज्यसभा में सांसद नरेश बंसल ने उठाया रेल मार्ग का मुद्दा। तो उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में चक्राता और मसूरी तक रेल लाइन बिछाने का मुद्दा उठाया। बंसल ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए चक्राता और उत्तरकाशी रेल मार्ग बिछाना भी जरूरी है। अपने सवाल में बंसल ने हरिद्वार और देहरादून रेल मार्ग को लेकर भी कई तरह की बातें की। रुड़की में छात्रों पर फायरिंग करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार, STF ने दबोचा। तो रुड़की कॉलेज में छात्रों पर फायरिंग का आरोपी अंशुल यादव को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर STF ने 5,000 का इनाम रखा था। STF ने मुखबिर की सूचना पर अंशुल को हरिद्वार इलाके से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। लक्सर में स्क्रैप कारोबारी के चौकीदार की हत्या से सनसनी, पड़ताल में जुटी पुलिस। कोतवाली लक्सर क्षेत्र स्थित हरे कृष्ण मंदिर वाली गली में एक स्क्रैप कारोबारी के चौकीदार की हत्या से सनसनी फैल गई। SP देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वही खबर है ऋषिकेश से। ऋषिकेश में 10 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत IDPL चौकी पुलिस ने गोल चक्कर फैक्ट्री के पास से 10 पेटी अवैध शराब के साथ एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर कार का ड्राइवर कोई सही जानकारी पुलिस को नहीं दे पाया। पुलिस ने शराब को कब्जे में ले लिया है, जबकि कार को भी कब्जे में लेकर सील कर दिया है। राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में टेरी के चंद कुमाई ने लंबी कूद में जीता गोल्ड मेडल। उधम सिंह नगर में बीते दिनों संपन्न हुई 9वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग की लंबी कूद में टेरी के चंद कुमाई ने गोल्ड और गोला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। उनकी सफलता पर परिजनों सहित गाँव के लोगों और स्कूल के शिक्षकों ने खुशी जताई। विकास नगर में एक साल बाद भी नहीं बनी NH की टूटी दीवार, हादसे का खतरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM पुष्कर सिंह धामी सरकारी योजनाओं से लोगों को सुख सुविधाएं दिलाना चाहते हैं, लेकिन अफसर और कर्मचारी हैं कि उनकी कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसका ताज़ा उदाहरण विकास नगर बड़कोट यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का एक साल पहले टूटा हिस्सा है। एक साल बीतने के बावजूद टूटे मार्ग को ठीक नहीं कराया गया। रुड़की की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल ने 7 घंटे बाद पाया काबू। तो रुड़की में एक ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल विभाग को कई जगहों से गाड़ियां बुलानी पड़ी। बेटे की मेहंदी की रस्म में डांस करते पिता को हार्ट अटैक से मौत, मामा ने किया कन्यादान। तो बेटे की मेहंदी की रस्म के दौरान खुशी से नाचते नाचते पिता की मौत हो गई, जहां बेटी की शादी की खुशी गम में बदल गई। कुछ इस तरह के मंजर सिर रंग में भंग पड़ गया। मामला अल्मोड़ा जनपद से सामने आया है। नौकरी घोटाले को लेकर के रघुनाथ सिंह नेगी मुखर, कहा कब होगी रिपोर्ट सार्वजनिक। तो जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार से नौकरियों में हुए घोटाले को उजागर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी द्वारा अक्टूबर 2022 में शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई थी, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आशीष बनकर हसीन सैफी ने अल्मोड़ा की युवती से किया लव जिहाद, अनजाने में पिता ने खोली पोल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अल्मोड़ा की रहने वाली युवती से एक शख्स ने नाम बदलकर पहले प्रेम प्रसंग का नाटक रचा, बाद में उसने उसके साथ अवैध संबंध बनाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। युवक ने युवती पर जबरन निकाह का दबाव बनाया, लेकिन आखिरी समय में युवक के पिता ने अनजाने में युवक की पोल खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।